तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका एक जीडीए 5 की वीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार फाइनली अपनी फैमिली हो चुके हैं 100K की। तो यार मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पर ना भरोसा नहीं हो रहा कि अपनी फैमिली ना 100K की फाइनली हो चुकी है। तो गाइस यार ये सब ना आपकी बदौलत है और आपका जो भी सपोर्ट मुझे मिला ना, तो गाइस यार ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया गाइस यार, लव यू ऑल। तो चलो यार यहाँ पर ना फेस कैम की वीडियो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ना मैं रिलेटिव्स के पास आया पड़ा हूँ और अभी भी यार मेरे पास ना वेबकैम वगैरह अभी तक मैंने परचेज वगैरह नहीं करा है। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है गाइज यार, अभी ना रुको गाइज यार, थोड़ा सा बस वेट करो, जरूर से ना फेस कैम की भी वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जरूर से ना जाके कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक आ रहा होगा। तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो यार सीधा आप इंस्टाग्राम के पेज पर पहुंचोगे और वहां पर ना अपने भाई को जाके जरूर से फॉलो कर लेना। तो चलो यार, अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा बैनी का कोई फ्रेंड था, उसने ना यार बैनी ने उसको पता होगा कि मेरे फ्रेंड के पास एक शोरूम है जहां पर गाड़ियां हैं, और वो बंदा ना यार लैम्बोर्गिनी का बहुत ही बड़ा वाला लवर था। तो यार उसके लिए लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे 3 लैम्बोर्गिनी परचेज करने के लिए। वैसे तो परचेज तो कौन सी करी थी, तुम्हारे भाई ने फ्री में लेके आए ये लैम्बोर्गिनी। वैसे फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, पैसे तो उसको हम लोग बाद में देंगे। तो चलो गाइस यार जल्दी से ना इस समय ना हमें चलना पड़ेगा बैनी के पास। तो जैसे आप देख रहे हो ना, बैनी यहां पर फाइनली अपनी निसान GTR लेकर आ चुका है। और ये जो बंदा है ना, ये बैनी का फ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है लॉस सैंटोस का, और इसको चाहिए थी कोई एक लैम्बोर्गिनी। तो हम तो 3 ब्रांड लेकर आए थे, मतलब ब्रांड तो लैम्बोर्गिनी है, 3 मॉडल लेकर आए थे लैम्बोर्गिनी के। तो इस समय जो भी इसको पसंद आएगा ना, ये कह रहा मैं उसी टाइम परचेज कर लूंगा और जो भी मेरे पैसे वगैरह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो चलो यार यहाँ पर ना पूरी सेटिंग वगैरह तो फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने मिलकर यहाँ पर कर दी थी। और यहाँ पर ना जल्दी से इस बंदे को एक बार ना, जो जो हम कल गाड़ियाँ लैम्बोर्गिनी के लेके आए हैं, एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब, ट्रेवर ना कोट पैंट पाकर रेडी हुआ पड़ा पूरा। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इस बंदे को ये वाली लैम्बोर्गिनी सियान का ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पर यार ये बंदा कह रहा ना ये गाड़ी आज ही परचेज करेगा, तो ये ना स्टॉक गाड़ी है, इस समय इसके अपने को $30 मिलियन देगा। तो हमने बोला नहीं यार, हमें चाहिए $50 मिलियन। तो ये कह रहा गाड़ी तो पूरी स्टॉक है। फिर हमने इसको बोला कि उसकी चिंता तू बिल्कुल भी यहां पर मत कर, हम ना इसको पूरा मॉडिफाई वगैरह कर तुझे दे देंगे। तो ये कह रहा ठीक है, अगर शाम तक तुम इसको मॉडिफाई कर दोगे तो तुम्हारी पेमेंट मैं तुम्हें कर दूंगा $50 मिलियन की। तो चलो गाइस यार यहां पर ना अपनी डील हो चुकी है। पहली गाड़ी तो हमने उस बंदे को बेची थी और दूसरी डील मुझे तो लग रहा आज यहां पर कंफर्म हो जाएगी। और ये सब ना बैनी की बदौलत है। चलो सही है, 50 मिलियन के लिए इतना काम तो करना बनता ही है। तो इसको आज हम शाम को ना मॉडिफाई कर दे देंगे गाड़ी, अगर अपने से ना मॉडिफाई पूरी गाड़ी हो जाएगी। वैसे बैनी कह रहा उसकी चिंता तू माइकल बिल्कुल भी मत कर, मैं ना इस गाड़ी को पूरा मॉडिफाई करके दे दूंगा। तो इस समय ना गाइज यार बैनी और ये बंदा इस समय जाने वाले हैं। तो चलो गाइज यार फाइनली ना ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अब, और बैनी अपनी निसान GTR लेकर जाएगा। और बैनी कह रहा है यार मैं ना अभी आधे घंटे में आ जाऊँगा, उसकी चिंता तो यार बिल्कुल भी मत करना निसान GTR की। अगर कोई भी स्क्रैच वगैरह डलता ना तो उसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ। वैसे आपको पता है जो यार गाड़ियों का डॉक्टर है वो है बैनी, और कोई भी यार कोई भी इसको मॉडिफिकेशन करनी हो उसका गुरु यहाँ पर बैनी है। तो चलो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को जरूर जाके लाइक कर देना, लाइक है पूरे 1000 लाइक का, चैनल पर चैनल को भी जोर से ना सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस अब जल्दी से ना इस बंदे को हम लोग बाहर तक छोड़ के आते हैं। और ये कह रहा ना मुझे तुम्हारा नेचर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगा है, और ये शोरूम भी ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाया है, और पूरे लॉस सैंटोस में ना ये वाला कलर ढूंढ रहा था सियान का। वैसे ये कलर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इस बंदे को पता नहीं यार क्यों यहाँ पर नहीं मिला, और ये अपना बॉडीगार्ड इतना छोटा क्यों गया था। तो चलो यार उसको छोड़ो। और यहाँ पर ना जैसे आप देख रहे हो जो अपनी निसान GTR है ना, ये बंदा इसको देखकर बहुत ही खुश हो रहा है और ये कह रहा है ये कलर तुम्हें कहाँ से मिला। तो गाइस यार ये तो सब बैनी ने मॉडिफाई करा है, तो जिस करके ना इस बंदे को अपनी मॉडिफिकेशन और यार जो भी अपनी गाड़ियां वगैरह बहुत ही ज्यादा यहां पर पसंद आई हैं। तो चलो यार फाइनली बैनी इसको लेकर जा चुका है यहां पर, और हम भी चलते हैं गाड़ी वगैरह देखने, क्योंकि उसके ऊपर अब काम वगैरह होना शुरू यहां पर हो चुका है। तो गाइस यार एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ना जो ट्रेवर और फ्रैंकलिन है ना अपने शोरूम में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो सोच रहा हूं ना ट्रेवर को यार मैनेजर बना देते हैं और फ्रैंकलिन को ना किसी अलग पोस्ट पर अपने शोरूम के अंदर ही रख लेते हैं, और तो हम और लेस्टर हैं ही हैं। तो चलो गाइस यार जैसे आप यहां पर देख रहे हो ना, जो इसके टायर्स वगैरह पूरे निकाल दिए हैं और पूरी मॉडिफिकेशन वगैरह यहां पर होनी शुरू हो चुकी है। और ट्रेवर जैसे कि मैं कह रहा था ना यहां पर ना इनको पूरा लीड कर रहा है कि तुमने कहां पर क्या मॉडिफिकेशन करनी है, कहां पर क्या करनी है। तो सही है गाइस। और ये फ्रैंकलिन कहां पर चला गया है, अभी तक तो यहीं था फ्रैंकलिन, और पता नहीं गाइस यार कोई काम से यहां वहां गया होगा। तो चलो यार अब जल्दी से ना मैं अभी अपनी गाड़ियां वगैरह यहां पर चेक कर लेता हूं, क्योंकि ना और जो दूसरी लैम्बोर्गिनी है ना यार उनका कलर
भी मुझे बहुत ही ज्यादा ओपी लगा, तो चलो यार ऑफिस में देख लेता। तो यहाँ पर है यार फ्रैंकलिन, और यहाँ पर ना ये पता नहीं यार क्यों ही परेशान लग रहा है इतना, और क्या ही देख रहा है। तो एक बार मैं भी यहाँ पर देख रहा था, तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, पहले फ्रैंकलिन को पीसी पर मेल आया और अभी अभी अपने को ना मिलिट्री के कर्नल का कॉल आया। तो यार उसने अपने को बुलाया, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यार उसने अपने को यहाँ पर क्यों बुला लिया। तो चलो यार अब जल्दी से ना मुझे ना मिलिट्री के कर्नल के पास जाना पड़ेगा, तो अपनी स्पेशल गाड़ी यहाँ पर लेके चलते हैं जो यहाँ पर खड़ी है। तो गाइस इसका कलर एक बार देखो, इस वाली लैम्बोर्गिनी का बहुत ही ज्यादा ओपी कलर है। तो चलो यार आज तो मैं इसकी ना पूरी टेस्ट ड्राइव तो उस दिन हमने ली थी, आज इसको पूरा यहाँ पर चला कर देखेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर है। जब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो आपने भी देखा होगा जो भी लॉस सैंटोस के लेफ्ट या राइट में जो भी बंदे खड़े थे ना, तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा ध्यान से ना इस वाली गाड़ी को देख रहे थे। तो चलो यार जैसे कि आप इसकी स्पीड यहाँ पर देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड है इसकी, और 300 के क्लोज यहाँ पर लगने वाली थी। तो भाई साहब क्या ही यहाँ पर ना ड्रिफ्ट बच चुकी है, और ये गाड़ी गाइस यार मैं सही में कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है। तो जरूर से बताना है इस गाड़ी को अपने को पर्सनल रखनी चाहिए या क्या ही करना चाहिए। तो चलो यार फाइनली हम ना मिलिट्री बेस के बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लोज पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से ना चल लेते। और मिलिट्री के कर्नल ने अपने को यहाँ पर पता नहीं यार क्यों बुलाया है। तो यार मारने को तो मैं उसको मार सकता हूँ, पर मैं दोनों तरफ से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यार वो अपने को क्यों बुला लेता है। तो चलो यार खोल दो नहीं तो इसको तोड़ ही देता। तो चलो यार फाइनली यहाँ पर ये भी यहाँ पर खुल चुका है, तो जल्दी से ना अब चलते हैं मिलिट्री के कर्नल के पास। और डॉक्टर बैगल से भी इतने दिनों से बात यहाँ पर नहीं हुई थी, और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना सामने इतने मिलिट्री वाले अपने ऊपर एम लेकर खड़े हैं, तो आज ना मुझे लग रहा कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है जिस तरह से ना ये अपने ऊपर एम वगैरह लेकर खड़े हुए हैं। तो चलो यार जल्दी से ना मिलिट्री का कर्नल भी सामने, और ये बहुत ही ज्यादा परेशान यहाँ पर क्यों लग रहा है, तो जल्दी से ना इससे बात करते हैं एक बार। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना अपनी इससे पूरी यहाँ पर बात हो चुकी है। तो ये कह रहा ना माइकल एक बार मैंने तेरे से अटैक कराया था एक गैंग के ऊपर जो यार वेपन्स वगैरह सेल कर रही थी, और दूसरा उनका मुझे लोकेशन पता चल चुका है पूरी गैंग का, तो तुम ना जल्दी से मेरी मिलिट्री लेकर जाओ और जा करना उनकी यहाँ पर गेम पूरी की पूरी बजा कर रख दो। तो चलो यार इस काम को अपने को करना ही पड़ेगा, वैसे अगर हम नहीं करेंगे तो अपने को ही लॉस होगा। तो चलो यार इसके 3 सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो अपने को ना इनको लेकर जाना पड़ेगा अटैक करने के लिए। तो ये कह रहा अपनी कोई भी यहाँ पर ना गाड़ी लेकर तू जा सकता है माइकल। तो चलो यार ये जो जीप है ना इसको लेकर यहाँ पर चलते हैं, और जो 3 सोल्जर है ना वैसे यार ये तो किसी काम के यहाँ पर नहीं है। और आपको पता होगा जो लास्ट वाली फाइट अपनी हुई थी उस गैंग के साथ यार उनकी क्या ही तुम्हारे भाई ने चटनी बनाई थी, और जो मिलिट्री के बंदे थे वो तो डर डर के बैठ रहे थे, तब भी तुम्हारे भाई ने अकेले ना सबको यहाँ पर पेल के रख दिया था। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर ना मिलिट्री के कर्नल ने अपने को बुलाया है। तो चलो यार वैसे ये जीप की जो हैंडलिंग है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी हैंडलिंग लग रही है यहाँ पर, और यार इसकी स्पीड तो इतनी नहीं कह सकते, 200 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से लग रही है, पर यार जो इसकी हैंडलिंग लेफ्ट राइट की है ना बहुत ज़्यादा ओपी है। तो चलो यार हम ना बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं उस लोकेशन के, और यहीं कहीं तो मिलिट्री के कर्नल ने अपने को उस लोकेशन के बारे में बताया था। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अंदर की तरफ चलते हैं, और जो भी बंदा अपने से चौड़ में आएगा ना तो सीधा तुम्हारा भाई उसकी गेम बजाएगा, क्योंकि आपको पता जब मिलिट्री के बंदे अपने साथ होते हैं तो डरने की कोई भी यहाँ पर बात नहीं होती है। तो चलो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गन्स वगैरह हम लोग यहाँ पर लेकर तो रेडी हैं, और जल्दी से ना इस रूम में देखते हैं कोई बंदा है कि नहीं है। और वैसे इतने ज़्यादा यहाँ पर गैरेज और रूम्स वगैरह ना तो मुझे तो लग रहा है ना पक्का यहाँ पर ना कोई भी गड़बड़ हो रही होगी। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना एक बार ना अंदर की तरफ हम लोग एंटर होकर देखते हैं कि क्या ही सीन चल रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ना इतने ज़्यादा बंदे खड़े हैं, तो भाई साहब निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। और जो इनके कपड़े एक सेकंड गाइस यार ये तो जाने पहचाने लग रहे, तो चलो छोड़ो गाइस यार क्या ही करेंगे। तो बेटा कोई भी आएगा सीधा यहाँ पर मार खाएगा अपनी गोलियों से। तो जल्दी से ना यार सबकी यहाँ पर गेम वगैरह बजा लेते हैं हम लोग, और जितने भी अंदर बंदे थे ना यार तुम्हारे भाई ने इनको तो यहाँ पर मार दिया है, और पीछे की तरफ से बेटा ज़्यादा ही चाना बन रहा था कुछ, तो तुम्हारे भाई ने तो इसकी भी यहाँ पर गेम बजा के रख दी। तो चलो गाइस अंदर की तरफ भी कोई बंदा यहाँ पर अपने पर फायरिंग कर रहा था, और यहाँ पर मैं अलग ही यार नीचे लोड पोट रहा हूँ। और माइकल आज ना ज़्यादा यार कुछ पावर में आया पड़ा, क्योंकि अपनी फैमिली हो चुकी है 100K की, जिस करके तुम्हारा भाई पूरी चौड़ में है। तो चलो यार मुझे ना ये क्लोथ कुछ जाने पहचाने लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो जरूर से ना कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर देख रहे हो गाइस यार कितने ज़्यादा पावरफुल वेपन रख रखे हैं यहाँ पर, और यह मिनी गन है और यार वीडियो मेकर है, और पीछे की तरफ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है। और ये जो मिलिट्री वाले हैं ना यार ये तो ना बिल्कुल यार निकम्मे हैं, और कुछ भी एक भी बंदा अभी तक इन्होंने नहीं मारा होगा। और यहाँ पर ना तुम्हारा भाई यार लाशों पे लाशें बिछा रहा है, और 4-5 बंदे तुम्हारे भाई ने यहाँ पर पेल के रख दिए, और पीछे की तरफ भी जो बंदे हैं ना यार जल्दी से ना इनको भी एक बार मारते हैं, और यार आगे की तरफ भी 2-3 बंदे तो जल्दी से ना इनको भी मारते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे ना यहाँ पर 2 बंदे हैं, और पीछे की तरफ से भी यार बंदे फायरिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल भी ना इतने ज़्यादा रश कर रहे हैं ना एक बार भी यार कोई भी बंदा अपने को यहाँ पर हरा बिल्कुल भी नहीं पा रहा। तो चलो यार एक बंदा ना मार दिया था
मिलिट्री वाले ने, और उसका भी तुम्हारे भाई ने यहाँ पर किल वगैरह चुरा लिया है। तो चलो यार जल्दी से ना, मुझे तो लग रहा है ना अब तुम्हारा भाई सबको यहाँ पर मार चुका है, और एक आधा बंदा यहाँ पर तो कहीं नाच रहा था, बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो यार एक बार ना इसके ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो नहीं गाइस यार, ये ना थोड़ा दूर था, जिस करके ना माइकल नीचे की तरफ आ चुका है, और यहाँ पर ये ज़्यादा ही चोट में था। तुम्हारे भाई ने इसको भी यहाँ पर ना भर के रख दिया पूरी गोलियों से, और ये मिलिट्री वाले बिल्कुल भी नहीं लड़े, एक आधा बंदा इन्होंने मारा होगा, और कपड़े तो ना पूरे खून से ऐसे लिबेड़ लिए हैं जैसे ना इन्होंने 200-300 बंदे यहाँ पर मार के रख दिए। तो चलो यार फाइनली तुम्हारे भाई ने ना सब बंदों को यहाँ पर मार दिया। और यार ये जो क्लोथ्स है ना इन बंदों के, मुझे जाने पहचाने तो लग रहे हैं, पर यार कुछ याद आ रहा कुछ नहीं आ रहा यार, जरूर से ना कमेंट करके बता देना अगर आपको कुछ ऐसा याद आया हो। और यहाँ पर देख रहे हो यार कितने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, और पीछे की तरफ ना दीवार के ऊपर भी वेपन्स वगैरह डाल रखे हैं इन्होंने। तो चलो यार जल्दी से ना स्टिकी बॉम्ब वगैरह लगाते हैं अपने को ना, यार वेपन तो चाहिए थे। पर जो मिलिट्री वाले हैं ना ये एक एक चीज़ देख रहे हैं, अगर गलती से भी तुम्हारे भाई ने एक भी वेपन यहाँ पर उठा लिया तो आपको पता है यार क्या ही यहाँ पर गलत सीन हो जाएगा। अगर मिलिट्री गनर को पता चला कि हमने वेपन लिया है, वो सोचेगा हम उसके अगेंस्ट है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ पर ना इसको ब्लास्ट करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है, तो जल्दी से अपनी गाड़ी को करता हूँ पीछे और करते हैं जल्दी से इसको ब्लास्ट। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर धमाका हो चुका है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ पर ना जो भी अपना काम मिलिट्री के अंदर दिया था वो तो तुम्हारे भाई ने पूरा यहाँ पर कर दिया है। वो जो धमाके यहाँ पर हुए ना, तो जरूर से ना लाइक ठोक देना, लाइक एम पूरे 10,000 लाइक का। और इस गाड़ी को लेकर तुम्हारा भाई आ चुका है यार बहुत ही जल्द मिलिट्री बेस के बहुत ही क्लोज। और यार ये गाड़ी ना अपने हाथ में आके खटार हो चुके, तो भाई मैं तोड़ दूंगा नहीं तो उसको खोल दे। तो देख रहे हो यार मिलिट्री की गाड़ी को देख कर इसमें कैसे सेंसर लगे हैं, बिल्कुल भी उन्होंने ना उसको बिल्कुल भी नहीं खोला। तो चलो यार तुम्हारे भाई ने फाइनल उसको तोड़ दिया, और हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री के एक कर्नल के मिलिट्री बेस में। और यहां पर एक भी बंदा मुझे यहां पर क्यों नजर नहीं आ रहा। तो चलो यार अपने को तो क्या ही लेना देना, अब जल्दी से ना वेपन अपना अंदर रखते हैं, और यहां से ना अब निकलने को मैं सोचता हूं, क्योंकि अगर मिलिट्री कर्नल ने देख लिया अपने को, और यार वो ना छोटे मोटे अपने से काम कराता रहता है कि वो तो पागल ही है बिल्कुल, मैं कसम से कह रहा हूं गाइस, यार बजाऊंगा मैं उसकी गेम पर टाइम आने पे। तो चलो यार पीछे की तरफ ना एक टैंक आ रहा, क्या पता चलता है गाइस यार ये मिलिट्री का यहां पर कर्नल ही। तो जल्दी से ना हम लोग यहां से एस्केप होते हैं, शाम भी यहां पर हो चुकी है, और मुझे लग रहा ना कि बैनी वगैरह ने मिलकर इस समय ना उस गाड़ी को कर दिया होगा मॉडिफाई। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो बाहर वाली गाड़ी है उनको देखकर ये डोर ओपन हो जा रहा है, डोर तो नहीं कह सकते इसको यार स्टॉपर कह सकते हैं, तो जो मिलिट्री की गाड़ी है उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो गाइस यार ये गाड़ी मैं कसम से कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाड़ी है, तो देख रहे हो इसको चलाने में ना मुझे बहुत ही ज्यादा यहां पर मजा आ रहा है, और स्पीड तो देख रहे हो इसकी 524 तक पहुंच चुकी है। तो गाइस यार अब तक की मुझे लग रहा है ये गाड़ी की टॉप स्पीड है, तो यार मैं तो इसको बिल्कुल भी किसी को नहीं देने वाला, मैं सो रहा ना इसको अपने पास ही रख लेते हैं। और जरूर से ना कमेंट करके बता देना अगर आपको ये वाली गाड़ी अच्छी लगी है ना, तो यार इसको ना हम लोग अपने पास ही रख लेंगे, तो इसको बिल्कुल भी हम लोग यहां से नहीं बेचेंगे। तो चलो यार अब जल्दी से ना एक बार देख लेते हैं अपनी गाड़ी को, करते हैं यहां पर पार्क, और बैनी अपने निशान GTR यहां पर लेकर आ चुका है, और चल के देखते हैं इन्होंने CN का क्या ही करा और क्या न्यू करा उसमें। तो चलो यार यहां पर तो कलर तो पूरा सेम है, और थोड़ा सा बस चेंजेस है यहां पर कलर में, तो लेफ्ट साइड में ना वाइट सी स्ट्रिप्स आ चुकी हैं। तो यार देख रहे हो गाइस यार बिल्कुल सेम गाड़ी लग रही है, बस यार हल्का सा मुझे लग रहा है ना पेंट का फर्क है, तो वो तो ना चलाने के बाद ही अपने को समझ आएगा तो क्या ही सीन हो रहा है इस गाड़ी में। तो चलो गाइस एक बार ना इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर चलते हैं, और बैनी गैरा माइकल यार इसमें ना हर चीज हमने बदल दिया है, और अब इसकी कीमत हो चुकी है $50 मिलियन की। तो चलो यार इसकी जो लाइट्स वगैरह देख रहे हो यार वो भी बहुत ज्यादा अल्टीमेट यहाँ पर लग रही है, और जो पीछे से यार पिंक स्मोक आ रहा है यार वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो चलो यार जल्दी से ना एक बार इसको भगा कर यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर यार ये बंदे वगैरह क्यों डर रहे हैं। तो देख रहे हो यार जो CN की खासियत है ना, ये ना गाड़ी रेसिंग है और ड्रिफ्टी गाड़ी है, अगर जो परफेक्ट रेसर होते हैं ना वो इसकी ड्रिफ्ट वगैरह मारकर इसको अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो सही है गाइस यार गाड़ी पूरी ओपी लग रही है। तो चलो यार जल्दी से ना इसको भगाते हैं यहाँ पर, और लेकर चलते हैं सीधा उस बंदे के पास, और टेस्ट ड्राइव तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर ले लिया, तो जल्दी से ना इसको उस बंदे के पास यहाँ पर लेके चलते हैं जो बैनी का यहाँ पर फ्रेंड है। तो चलो यार यहाँ पर ये जंप वगैरह क्यों मार रहे हैं मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर जो ड्रिफ्ट मार रही है ना यार ये अलग ही तरह की ड्रिफ्ट है, वो तो मैं चला रहा हूँ, ट्रैवर चलाएगा ना गाइस यार मैं कसम से कह रहा हूँ उसने ना ठोक पीट के गाड़ी को ना बिल्कुल ना कचूंबड़ यहाँ पर निकाल देना है। तो चलो यार यहाँ पर ना हम उस बंदे के घर के बहुत ही क्लोज पहुँच चुके हैं, और इस गेट को जल्दी से करते हैं हम लोग ओपन, और यार खोल दो भाई, इसने सिक्योरिटी रखी कि अपने को यहाँ पर खोलना पड़ेगा, तो चलो यार हमें ही खोलना पड़ेगा जल्दी से इस गेट को। और यहाँ पर ना यार बंदा सामने की तरफ ही खड़ा है, और इतने भाई साहब को इतना नहीं पता कि यार उसको गेट
गेट वगैरह खोलना चाहिए। तो चलो यार कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अपने को इस समय मिलने वाले हैं $50 million। अगर इस बंदे को गाड़ी ये पसंद आई तो जल्दी से ना उसके पास इस गाड़ी को लेकर चलते हैं और फिर उसको पूरी गाड़ी यहाँ पर चेक करा कर दे देते हैं। तो चलो यार फाइनली ना इस बंदे को हमें मिलना पड़ेगा। पहले मुझे लग रहा ना कि यहाँ पर बॉस तो नहीं है और इसके पास गाइस ऑडी R8 है ग्रीन रंग की, तो गाइस वो भी बहुत ज़्यादा ओपी यहाँ पर गाड़ी लग रही है। तो ये ना यार इसका कोई फ्रेंड वगैरह घर आया हुआ है इसके, तो ये करना चुपचाप ना यार तुम सामने की तरफ लगा दो गाड़ी और बाकी ना मैं उसको खुद ही मैनेज कर लूँगा। और यहाँ पर एक रेड फरारी खड़ी है, तो सही है गाइस यार दोनों गाड़ियाँ इसके पास अल्टीमेट है। और इसके पास लैम्बोर्गिनी यहाँ पर नहीं थी, वो भी तुम्हारे भाई ने आज इसको दे दिया। तो जो वो बंदा है ना जिसने अपने को लैम्बोर्गिनी परचेज करने को बोला था, तो यार जल्दी से ना उसके पास चलते हैं, वो है पीछे की तरफ, तो वो अपने को पेमेंट वगैरह इस समय कर देगा। तो जल्दी से ना उसके पास चलते हैं, जैसे वो बंदा कह रहा था ना जो मेरा बॉस है जो मेरा फ्रेंड है ना तुम लोग उससे वहाँ पर जाके बात कर लो। तो यार वो तो ना पूल के पास खड़ा, तो जल्दी से ना उसके पास हम लोग यहाँ पर चल पड़ते हैं और उसको कह देते हैं शाम होने से पहले पहले तुम्हें हमने तुम्हारी सियान यहाँ पर लेकर दे दिया है और चुपचाप ना 50 million का जो पेमेंट अपने साथ हुई थी वो जल्दी से अपने को कर दो। तो यार ये है गार्डनर और ये है यार यहाँ का बॉस, तो चलो यार इससे जल्दी से बात करते हैं। और भाई साहब ब्रीफ केस यहाँ पर लेकर रेडी था, तो चलो गाइस यार इसने ना अपने को पूरी यहाँ पर पेमेंट कर दिया पूरे $50 million की। चलो गाइस यार आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जाके लाइक कर देना, लाइक है मैं पूरे 10,000 लाइक का, चैनल पर न्यू है ना चैनल को भी जल्द से सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया यार 100 की कीन में अपनी हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस लव यू ऑल।